ऑन पैसिव वे पोर्टल अक्टूबर महीने का ट्रैफिक एनालिसिस देखकर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि पिछले 2 महीने की अपेक्षा ऑन पैसिव वे पोर्टल पर अक्टूबर महीने में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आया है। और ऑन पैसिव वे पोर्टल पर अक्टूबर महीने में जितना भी ट्रैफिक आया है, जिन जिन देशों से जितना भी ट्रैफिक आया है, उन सभी ट्रैफिक्स में से आधा ट्रैफिक इंडिया से आया है। और ये बात भी हैरान करने वाला है कि ऑन पैसिव वे पोर्टल पर सभी देशों से जितना भी ट्रैफिक आया है, उन सभी ट्रैफिक में से आधा ट्रैफिक सिर्फ और सिर्फ इंडिया से आया है। यानी इंडिया के लोग सबसे ज़्यादा ऑन पैसिव वे पोर्टल पर विजिट कर रहे हैं, ऑन पैसिव में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ऑन पैसिव वे पोर्टल अक्टूबर महीने का ट्रैफिक एनालिसिस के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंटन शर्मा। तो इसके बारे में मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि जब आप ऑन पैसिव वे पोर्टल का अक्टूबर महीने का ट्रैफिक एनालिसिस को चेक करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं onpassive.com वेबसाइट एनालिसिस फॉर अक्टूबर 2024 लिखा हुआ है। और इसका ग्लोबल रैंक है 80,100, कंट्री रैंक है 7,323, कैटेगरी रैंक है 188, जिसका टोटल विजिटर है 701.4 के, बाउंस रेट है 25.74%, पेज पर विजिट है 3.06, एवरेज विजिट ड्यूरेशन है 1 मिनट 12 सेकेंड। यानी ऑन पैसिव वे पोर्टल पर अक्टूबर महीने में 701.4 के ट्रैफिक आया और उन ट्रैफिक ने ऑन पैसिव वे पोर्टल पर 1 मिनट 12 सेकेंड बिताया। अब हम बात करते हैं onpassive.com ट्रैफिक एंड एंगेजमेंट एनालिसिस के बारे में। तो यहाँ पर अगस्त महीने का दिया गया है और यहाँ पर सितंबर महीने का डिटेल दिया गया है, यहाँ पर अक्टूबर महीने का डिटेल दिया गया है। और जब हम अक्टूबर महीने के इस डॉट पर जब माउस का कर्सर लेकर जाते हैं तो यहाँ पर 701.4 के ट्रैफिक बता रहा है। वहीं जब हम सितंबर महीने पर माउस का कर्सर लेकर जाते हैं तो यहाँ पर 221.6 के ट्रैफिक बता रहा है। और जब हम अगस्त महीने पर माउस का कर्सर लेकर जाते हैं तो यहाँ से पर 300 के ट्रैफिक बता रहा है। यानी अगस्त और सितंबर महीने की अपेक्षा अक्टूबर महीने में ऑन पैसिव वे पोर्टल पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आया है, जो 2 गुना से भी अधिक है। अब हम बात करते हैं onpassive.com वेब ट्रैफिक बाई कंट्री के बारे में, यानी ऑन पैसिव वे पोर्टल पर किस किस देश से कितना कितना ट्रैफिक आता है। और इसका डिटेल यहाँ पर दिया गया है, जिसमें भारत अभी नंबर 1 पर चल रहा है। यानी भारत से सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, जो 48.12% है। वहीं यूनाइटेड स्टेट से जो ट्रैफिक आता है वह 25.95% है। बांग्लादेश से 6.96% ट्रैफिक आता है। स्विट्जरलैंड से 4.74% ट्रैफिक आता है। हंगरी से 3.3% ट्रैफिक आता है। और अदर से 11.19% ट्रैफिक आता है। यानी ऑन पैसिव वे पोर्टल पर अक्टूबर महीने में जिस जिस देश से जितना भी ट्रैफिक आया है, उन ट्रैफिक में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक इंडिया से आया है, जो लगभग आधे के बराबर है। यानी इंडिया के लोग अभी भी ऑन पैसिव पर उतना ही विश्वास कर रहे हैं जितना पहले करते थे। अब हम बात करते हैं onpassive.com टॉप ट्रैफिक सोर्स के बारे में, यानी ऑन पैसिव वे पोर्टल पर जितना भी ट्रैफिक आता है वह ट्रैफिक कहां कहां से आता है। तो यहां पर देख सकते हैं 56.49% ट्रैफिक डायरेक्ट से आता है, जो ऑन पैसिव के फाउंडर या यूजर हैं। वहीं रेफरल के द्वारा 7.79% ट्रैफिक आया है। ऑर्गेनिक सर्च के द्वारा 34.38% ट्रैफिक आया है। पेड सर्च के द्वारा 0 है। सोशल मीडिया के द्वारा 1.05% ट्रैफिक आया है। मेल के द्वारा 0.05% ट्रैफिक आया है। डिस्प्ले के द्वारा 0.19% ट्रैफिक आया है। यानी ऑन पैसिव वे पोर्टल पर अक्टूबर महीने में जितना भी ट्रैफिक आया है वह डायरेक्ट से आया है, जो ऑन पैसिव के फाउंडर या यूजर हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।